नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अंजना पवार की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में मैनुअल स्केवेंजर्स अधिनियम 2013 के जनपद में लागू होने की प्रशासनिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने कहा कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफाई कर्मचारियों के प्रति संवेदना है, वैसे ही संवेदना देश के प्रत्येक जिलों में अधिकारियों में भी होनी चाहिए। सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण संभव होगा और उनका परिवार विकास की मुख्यधारा में शामिल होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर शासकीय योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। नगर निकाय सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सफाई कर्मियों का नए सिरे से पहचान पत्र कार्ड जारी करें और उनके लिए ड्रेस पहनना अनिवार्य करें। सभी BDO और EO को निर्देश दिए कि सफाई कर्मियों के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चेंजिंग रूम की व्यवस्था करें। नगर विकास एवं जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मलिन बस्तियों में कैंपों का आयोजन कर सफाई कर्मचारियों के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें, उनका प्रचार प्रसार करें। किसी भी कर्मी का शोषण ना हो और ना ही किसी भी सफाई कर्मी के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। इनके प्रति हमेशा हमें संवेदनशील होकर कार्य करना है। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने निर्देश दिए कि लंबित पेंशन व सेवा संबंधी प्रकरणों का जल्द से जल्द निस्तारण करें। उन्होंने उपाध्यक्ष अंजना पवार को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। बैठक के दौरान सफाई कर्मियों को रेनकोट भी वितरित किए गए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राम अर्च, प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर PR नायर, जिला विकास अधिकारी रचना गुप्ता, अग्रणी बैंक प्रबंधक, जिला समाज कल्याण अधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी नगर निकाय एवं खंड विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी, सफाई कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी एवं सफाई कर्मी मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।